जब जमीन से ज्यादा पानी निकालने पर ऊपरी सरफेस नीचे धस सकती है, जैसा कि हमने जोशी मठ में भी देखा है, तो क्या उसका उल्टा यानी कि जमीन के नीचे सरफेस में पानी इंजेक्ट करने से किसी शहर को ऊपर उठाया जा सकता है? ये सुनने में भले ही इम्पॉसिबल लगे, लेकिन ये पॉसिबल है। और एड्रियाटिक सी के बीचों बीच बसे यूरोप की सिटी वेनिस में ऐसा जल्द ही किया जाने वाला भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ओशन लेवल राइज होने के कारण समुद्र से केवल 3 फीट के एलिवेशन पर बसे इस पूरे शहर पर समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली साल 2019 में हाई टाइड्स के दौरान इस पूरे शहर में 3 से 4 फीट तक समुद्र का पानी भर गया, जिसके चलते 80% वेनिस सिटी पानी में डूब चुका था। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, अब तो इस तरह की बाढ़ वेनिस में काफी फ्रीक्वेंट हो चुकी है। और कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि आने वाले केवल 50 से 100 सालों में वेनिस पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। इस सीरियस सिचुएशन को देखते हुए इटली गवर्नमेंट ने वेनिस को बचाने के लिए इंजीनियर और साइंटिस्ट के टीम की मदद से एक प्लान तैयार किया है, जिसमें पूरी वेनिस सिटी को डूबने से बचाने के लिए इसकी सरफेस के अंदर 600 से 1000 मीटर की गहराई में ओशियन वाटर को हाई प्रेशर के साथ पंप किया जाएगा, जिससे ओवरऑल सिटी की हाइट ऑलमोस्ट 25 से 30 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आखिर ये सब कैसे होगा? क्या है वेनिस सिटी को ऊपर करने का प्लान? आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, ये है इटली के वेनेटो रीजन की कैपिटल वेनिस, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एड्रियाटिक सी से चारों ओर से घिरा हुआ है। अब समुद्र से केवल 1 मीटर के एलिवेशन के कारण वेनिस सिटी में बनी बिल्डिंग्स ऐसी लगती है मानो ये पानी से इमर्ज होकर बाहर आ रही हो। और वेनिस सिटी की इस खूबसूरती को देखने के लिए हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट इस सिटी को देखने जाते हैं। अब साल 2019 में रिलीज हुई मार्वल मूवी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में एक फाइट सीन के दौरान इसी सिटी को तबाह होते दिखाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में वेनिस को 1.4 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट ने विजिट किया था, जबकि इस सिटी की ओवरऑल पॉपुलेशन ही केवल 2.62 लाख है। इन शॉर्ट, इस सिटी की खूबसूरती एंड पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है ना कि शहर की टोटल पॉपुलेशन से 5 टाइम्स ज्यादा लोग हर साल इस शहर को देखने आते हैं। दोस्तों, 421 एडी में समुद्र की दलदली मिट्टी पर बनाई गई वेनिस सिटी को आज भी रोमन एम्पायर का इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता है, क्योंकि वेनिस एड्रियाटिक सी से केवल 3 फीट ऊपर मौजूद 118 आइलैंड्स की एक ऐसी दलदली अनस्टेबल जमीन पर बसाया गया था जहां इंसानों का नॉर्मली खड़ा रहना भी पॉसिबल नहीं था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द फ्लोटिंग सिटी वेनिस वॉज कंस्ट्रक्टेड। तो देखो, ये बात है 421 एडी की। उस वक्त यूरोप के इस हिस्से में बारबेरियन इन्वेडर हमला करते रहते थे, जिनके हमलों से तंग आकर इटली के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के 118 आइलैंड को जोड़कर एक सेफ प्लेस को बनाने की तैयारी शुरू की गई। पर यहाँ पर समस्या ये थी ना कि ये आइलैंड्स समुद्री पानी से ज्यादा ऊपर नहीं थे, जिनके कारण उनके ज्यादातर हिस्से समुद्र के नीचे डूबे हुए थे, जिसके ऊपर एक सिटी बनाने के लिए 2 तरह के प्लान्स तैयार किए गए थे, जिनमें से पहले प्रपोजल के अनुसार इन आइलैंड्स की अनस्टेबल दलदली सरफेस को मार्बल एंड स्टोन्स भरकर एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार किया जाएगा और फिर उस पर शहर बनाया जाएगा। पर उस समय इस आइडिया को इसीलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इतने बड़े शहर को बसाने के लिए काफी लार्ज अमाउंट में मार्बल स्टोन्स की जरूरत होती, और उस समय इटली में मार्बल एंड स्टोन्स की काफी कमी थी और ये मार्बल काफी महंगे भी होते थे, यानी कि इससे ओवरऑल सिटी को बनाने का कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता। इसके बाद एक सेकेंड प्लान को चुना गया, जिसमें दलदली आइलैंड पर वेनिस को बसाने के लिए इसकी फाउंडेशन में टिम्बर पिलर्स को यूज किया गया। इफ यू डोंट नो कि टिम्बर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि टिम्बर लकड़ी के उन लंबे तनों को कहा जाता है जिन्हें सही मेजरमेंट में कट करके कंस्ट्रक्शन के काम में सपोर्ट और बीम की तरह यूज किया जाता है। आज भी ज्यादातर यूरोपियन, अमेरिकन एंड कैनेडियन हाउसेस इन्हीं से बनाया जाता है, एंड उस समय इटली में पेड़ों की कोई भी कमी नहीं थी, इसीलिए इस प्लान को आगे बढ़ाया गया और वेनिस सिटी की फाउंडेशन को टिम्बर से बनाने का काम शुरू हुआ। अब अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो वेनिस सिटी की फाउंडेशन में मेनली 4 से 8 मीटर लंबे वाटर रेजिस्टेंस टिम्बर का यूज हुआ था, जिनमें मोस्टली एल्म, ओक, पॉपलर एंड एल्डर पेड़ों की लकड़ियों को इटली के जंगल से काटकर वेनेटियन लगून के इन आइलैंड्स पर लाया जाता था, और फिर इनके सिरे को पेंसिल की शेप में काटकर इन आइलैंड की अनस्टेबल मार्शी सरफेस के अंदर कई मीटर की गहराई तक गाड़ा जाता था, जिसके बाद इनके बीच मौजूद गैप्स में पत्थर भरे गए ताकि टिम्बर के अनस्टेबल होने या फिर मूव होने की पॉसिबिलिटीज को कम किया जा सके। अब इसी तरह लाखों टिम्बर पिलर्स को इन 118 आइलैंड्स पर ऑलमोस्ट 8 मीटर गहराई तक
गाड़कर एक स्टेबल सरफेस बनाई गई, जहां केवल 1 मीटर स्क्वायर स्टेबल सरफेस बनाने के लिए ही इसमें 6 से 12 टिम्बर पिलर्स गाड़े गए थे। और इन टिम्बर पिलर्स को केवल इस सिटी की फाउंडेशन बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि लकड़ी की ओवरऑल मास भी सीमेंट या फिर किसी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से काफी ज्यादा कम होता है, इसलिए इससे बनने वाले स्ट्रक्चर का मास भी ओवरऑल कम होता है। यानी कि इससे फाउंडेशन पर कम लोड पड़ेगा, जो कि विनी सिटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा जरूरी था। अब ये तरीका कारगर तो रहा, लेकिन इस तरह विनी सिटी को बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि केवल एक सिंगल बिल्डिंग को इस दलदली जमीन पर बनाने के लिए कई 100 से कई 1000 टिम्बर पिलर्स को सरफेस में गाड़ कर फाउंडेशन तैयार करने में ही 1 महीने या फिर उससे भी ज्यादा का समय लग जाता था। और देखो, ये तो सिर्फ फाउंडेशन है, इसके बाद ऊपर की बिल्डिंग को कंप्लीट करने में कई महीनों का समय और लगता था। इसी सेम प्रोसेस से विनिस पर बनी सभी बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स का निर्माण हुआ है। विनिस सिटी के ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा, उसका नाम है सैन जकारिया चर्च, जो कि विनिस शहर के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और सिर्फ 14th century में बनाया गया था। अब इस चर्च की सबसे खास बात यह है ना कि इस चर्च के ऊपरी स्ट्रक्चर को बनाने में जितने मटेरियल का यूज हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा चर्च के लिए वेनिस की दलदली सरफेस को स्टेबल और प्लेन बनाने में हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चर्च को बनाने के लिए ही वेनिस की दलदली सरफेस के अंदर करीब 7000 टिम्बर पिलर्स का प्रयोग किया गया था, जबकि ऊपर चर्च की बिल्डिंग को तैयार करने में केवल 6000 टिम्बर पिलर्स का ही प्रयोग हुआ था। अब एक और रिसर्च की माने तो इस पूरे वेनिस सिटी की फाउंडेशन को बनाने में करीब 11 मिलियन टिम्बर पिलर्स का प्रयोग हुआ होगा, जिन पर आज भी ये सिटी टिकी हुई है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि विनिस सिटी के फाउंडेशन को बनाने के लिए वुडन पिलर्स को ही क्यों चॉइस किया गया? वेल, इसका एक कारण तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इटली में पेड़ों की कोई भी कमी नहीं थी, यानी कि इन पिलर्स से बनाए जाने वाले किसी भी स्ट्रक्चर में ओवरऑल कॉस्ट काफी कम आती थी। बट इसके अलावा इसके और भी कई कारण है, जिसमें से एक है कि जब इन वुडन पिलर्स को लंबे समय तक जमीन में रखा जाए तो एक पेट्रिफिकेशन नाम के फिनोमेना के कारण इन लकड़ियों की स्ट्रेंथ स्टोन या फिर सीमेंट से भी ज्यादा हो जाता है। वैसे अगर आप पेट्रिफिकेशन के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लंबे समय तक मिनरल्स के एक्सपोजर में रहने वाले ऑर्गेनिक मैटर एक रॉकी मटेरियल में बदल जाते हैं। चलिए, अब अगर हम इस शहर की जियोलॉजी एंड हिस्ट्री को समझ गए हो तो अब समझते हैं कि आखिर इस शहर को उठाने की जरूरत ही क्या है। तो देखो, रीजन सिंपली है, समुद्र पर बना ये खूबसूरत शहर ओशियन लेवल राइज होने के कारण अब धीरे धीरे दोबारा समुद्र में वापस जा रहा है। अब इसके कई एग्जांपल है, जैसे नवंबर 2019 में हाई टाइड के दौरान एड्रियाटिक सी का वाटर लेवल 187 सेंटीमीटर यानी कि 6.1 फीट तक बढ़ गया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एड्रियाटिक सी से केवल 3 फीट ऊपर बसे विनिस में कई फीट तक ओशन वाटर भर गया और ऑलमोस्ट 80% सिटी समुद्र के पानी में डूब गई, जिसके बाद लोगों को शहर से निकालकर सेफ प्लेस पर पहुंचाया गया और पूरे शहर में इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर कर दी गई, जिससे विनिस में 1 अरब यूरो का नुकसान हुआ। अब विनिस में इस फिनोमेना को एक्वा एल्टा कहा जाता है। अब तो इस तरह के फ्लड्स विनिस में काफी आम हो चुके हैं। हर कुछ दिनों में विनिस के कई निचले इलाकों में समुद्र का पानी भर जाता है। अगर आपने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी देखी है तो उसमें भी इस सिचुएशन को हाईलाइट किया गया है कि कैसे ये फ्लड्स टूरिस्ट और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। साल 2021 में पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक 2100 तक अगर एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर केवल 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो विनिस सी लेवल 32 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। मींस समुद्र पर तैरते शहर में परमानेंट समुद्र का पानी भर जाएगा। इसके अलावा सबसे वॉश्ड कंडीशन में अगर ग्लोबल टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया ना, तो ये पूरा का पूरा शहर 80 से 90% तक समुद्र में डिसअपियर हो जाएगा। अब ये बात इटली गवर्नमेंट भी अच्छे से जानती है, इसीलिए विनिस को बचाने के लिए साल 2003 में ही एड्रियाटिक सी में वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड बैरियर सिस्टम मॉस बैरियर का निर्माण शुरू कर दिया गया था, जिनका काम था कि वो फ्लड्स एंड हाई टाइड्स के समय विनिस लगून एंड एड्रियाटिक सी के बीच एक दीवार की तरह काम करते हैं और पानी को विनिस सी के अंदर एंटर करने से रोकते हैं। इन शॉर्ट, मॉस बैरियर के कारण एड्रियाटिक सी का वाटर लेवल बढ़ने पर भी विनिस सिटी को सराउंड करने वाले ओशन का वाटर लेवल इंक्रीज ना हो, ताकि विनिस में फ्लड सिचुएशंस ना पैदा हो सके। मॉस बैरियर,
दोस्तों जब मॉस बैरियर पर काम शुरू हुआ था तो शुरुआती अनुमान ये था कि प्रोजेक्ट साल 2011 तक ही पूरा हो जाएगा, पर ये प्रोजेक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली था ना कि इसे कंप्लीट होने में करीब 20 सालों का समय और ऑलमोस्ट 8 अरब डॉलर लग गए। वैसे अभी भी इस पर काम चल ही रहा है और इसको साल 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट करने की डेडलाइन दी गई है, पर इसके कुछ हिस्से साल 2020 से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। 3 अक्टूबर 2020 एड्रियाटिक सी में आए एलेक्स स्टॉर्म के दौरान जब मॉस बैरियर एक्टिव किया गया तो इसने काफी हद तक वीनस में पानी को घुसने से रोक दिया था। मॉस 78 गेट से बना 4 इंडिविजुअल बैरियर्स का सिस्टम है जिसमें ये गेट्स किसी मेटल बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर की तरह लगते हैं जिनकी चौड़ाई 20 मीटर और ऊंचाई 18.5 से 29 मीटर तक है। इन सभी को एक कंट्रोल सेंटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ओपन होने पर ये टेम्पोररीली वीनस लगून को एड्रियाटिक सी से सेपरेट कर देता है। नॉर्मल टाइडल कंडीशन में ये गेट ओशन वाटर से भरे रहते हैं और समुद्र में इनके लिए स्पेशली डिजाइन किए गए कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में फिक्स रहते हुए समुद्र के पानी में नीचे छिपे रहते हैं। पर जब कंट्रोल सेंटर को हाई टाइड का अलर्ट मिलता है तब हाई टाइड्स के आने से 6 घंटे पहले इन्हें ओपन कर दिया जाता है, जिसके लिए इनको पानी से भरे गेट के अंदर से पानी को निकाल कर उसमें हवा इंजेक्ट करी जाती है और ये गेट धीरे धीरे पानी में ऊपर उठने लगते हैं। इसको बनाने वाली कॉन्सोर्सियो वेनेजिया नुवा कंपनी के इंजीनियर्स की माने तो मोस बैरियर के मदद से एड्रियाटिक सी के वाटर लेवल 110 सेंटीमीटर यानी कि 3.6 फीट बढ़ने के बाद भी वीनस में पानी को भरने से रोका जा सकता है। पर देखो इसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मॉस बैरियर को एक बार फिर लिफ्ट करने में कई लाख डॉलर का खर्चा जाता है और अब तो हर साल वीनस में बाढ़ की सिचुएशन बढ़ती जा रही है जिसके कारण साल में कई बार मॉस बैरियर को उठाया जाता है। पर क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ओशियन लेवल काफी तेजी से राइज हो रहा है इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही मॉस बैरियर समुद्र के पानी को शहर में घुसने से रोकने में नाकामयाब हो जाएंगे और इस तरह की सिचुएशन अभी कुछ समय पहले देखने को भी मिल रही है जहां मॉस बैरियर के उठे होने के बावजूद शहर में कई फीट पानी भर जाता है। और सबसे जरूरी बात कि मॉस बैरियर एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है जो कुछ घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन तक लगातार वीनस को बचा सकता है, पर अगर परमानेंट ओशन लेवल काफी ज्यादा हो जाए तो ये भी किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए हमें इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और पूरे के पूरे शहर को ओशन लेवल से ऊपर उठाने से ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन और क्या ही हो सकता है। पर आखिर किसी शहर जैसे बड़े जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कैसे उठाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई फिक्शनल मूवी तो है नहीं जो एवेंजर्स एज ऑफ एल्ट्रॉन की तरह वाइब्रेनियम बूस्टर लगाकर एक शहर को उड़ा देंगे। तो आखिर इंजीनियर वीनस को कैसे अपलिफ्ट करेंगे, इसे समझने के लिए आपको अर्थ की सब सरफेस लेयर्स वाटर टेबल को समझना होगा। तो देखो यूजुअली अर्थ की क्रस्ट लेयर के कुछ 100 मीटर के डेप्थ में वाटर टेबल होता है जिसे ग्राउंड वाटर टेबल भी कहा जाता है। ये अर्थ क्रस्ट का वो भाग है जहाँ पर फ्रेश ग्राउंड वाटर डिपॉजिट होते हैं। यूजुअली वाटर टेबल क्रस्ट में अनसैचुरेटेड जोन एंड सैचुरेटेड जोन के बीच मौजूद होती है एंड इन वाटर टेबल की अर्थ की सरफेस लेयर से डेप्थ या फिर इनमें स्टोर होने वाले वाटर की अमाउंट कई डिफरेंट रीजंस पर वैरी करती है, बट इसमें मोस्टली उस प्लेस की जियोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नाउ फॉर एग्जांपल किसी ऐसी जगह जहां पर काफी ज्यादा बारिश होती है या फिर आसपास रिवर्स या ओशियंस मौजूद है तो वहां पर इस तरह के ग्राउंड वाटर रिजर्व टेबल भी काफी ज्यादा अमाउंट में होंगे और इसमें होने वाले वाटर भी काफी ज्यादा होगा, साथ ही साथ इनकी सरफेस से डेप्थ भी काफी कम होंगी। बट वहीं अगर जिन इलाकों में बारिश काफी कम होती है या फिर आसपास कोई रिवर्स या फिर ओशियंस नहीं होते हैं तो वहां पर इस तरह की वाटर टेबल काफी कम होंगी और जो होंगी वो क्रस्ट सरफेस में काफी ज्यादा गहराई में होंगी। अब ऐसे में अगर जमीन में दो लेयर्स के बीच मौजूद इन वाटर टेबल से काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाए ना तो अनसैचुरेटेड जोन और सैचुरेटेड जोन के बीच एक गैप बन जाता है और यही रीजन होता है जमीन के नीचे की ओर धंसने का, जैसा कि हमने जोशी मठ में देखा है। अब अगर इस सिचुएशन को उल्टा कर दिया जाए तो क्योंकि वीनस का ग्राउंड वाटर टेबल सिटी की सरफेस से 650 से 1000 मीटर की डेप्थ पर मौजूद है जहां पर एक्स्ट्रा वाटर को एक राइट प्रेशर एंड अमाउंट में इंजेक्ट करने से ये वाटर वीनस सिटी की सरफेस को ऊपर की ओर लिफ्ट कर देगा। नाउ हियर एक क्वेश्चन अराइजेस, Will Venus rise with ocean water? Well, इसके लिए इंजीनियर्स का प्लान है कि वो पहले वीनस सिटी के सेंटर के करीब 10 किलोमीटर के एरिया के सब सरफेस में करीब 10 अलग अलग डिफरेंट होल्स करेंगे जिनमें फिर हाई प्रेशर के साथ ओशियन वाटर को ग्राउंड वाटर टेबल में इंजेक्ट किया जाएगा और फिर पॉजिटिव रिजल्ट के बाद ही इस पूरे सिटी में इस तरह के अलग अलग होल्स किए जाएंगे और एक साथ फिर उनमें हाई प्रेशर और राइट अमाउंट में ओशियन वाटर को इंजेक्ट करते हुए धीरे धीरे पूरे शहर की ओवरऑल हाइट
को इंक्रीज किया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट 10 साल में कंप्लीट होगा और इसके बाद पूरी वेनिस सिटी की ओवरऑल हाइट पहले से 25 से 30 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगी और इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग ये तकनीक काम करेगी। पर कुछ इंजीनियर्स का ये भी कंसर्न है कि सब सरफेस में पानी को पंप करने के दौरान हमें वाटर प्रेशर और वाटर को इंजेक्ट किए जाने वाली डेप्थ की सही मेजरमेंट पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा वाटर पंप किया गया तो इससे पूरे वेनिस सिटी में बड़े बड़े क्रैक डेवलप हो सकते हैं जो इस पर बने इंफ्रास्ट्रक्चर्स यानी कि बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सिटी खुद भी एक अनस्टेबल लैंड पर बनाई गई थी। इसीलिए वाटर इंजेक्टिंग प्रोसेस की कोई भी गलती सिटी की ओवरऑल स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर सकती है। और इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स का इस बारे में कहना है कि वेनिस सिटी की अपलिफ्टिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इंजीनियर्स की टीम वेनिस की जियोलॉजी और स्ट्रक्चर्स को डीप में स्टडी करेंगी ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। पर देखो, इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या वेनिस को 30 सेंटीमीटर उठाना इसे डूबने से बचने के लिए काफी होगा? वेल, जवाब है नहीं। तो अभी हाल ही में साल 2019 में वेनिस में जब बाढ़ यानी कि एक्वा एल्टा आई थी ना, तो इस दौरान वेनिस सिटी में पानी 150 सेंटीमीटर के हाइट तक बढ़ गया था। इन शॉर्ट, अगर वेनिस को डूबने से बचाना है तो इस शहर को कम से कम 1 से 2 मीटर तक ऊपर उठाना होगा। पर क्या सब सरफेस में वाटर इंजेक्ट करने से वेनिस सिटी 1 से 2 मीटर तक उठाया जा सकता है? वेल, इटली की पाडोवा यूनिवर्सिटी में हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर पिएत्रो टाइटन का इस बारे में कहना है कि वेनिस सिटी को सब सरफेस वाटर इंजेक्शन से केवल 30 सेंटीमीटर तक ही उठाया जा सकता है। इससे ज्यादा उठाने पर सिटी का ओवरऑल स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने का खतरा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिटी को 30 सेंटीमीटर उठाने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वेनिस की ओवरऑल हाइट 30 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है तो इसके बाद मूज बैरियर सिस्टम के उपयोग से वेनिस को और भी ज्यादा फ्लड प्रूफ बनाया जा सकता है। इसके अलावा इससे सिटी के डूबने का खतरा जो पहले कुछ दशकों बाद था, अब वो भी कुछ सेंचुरीज के लिए तो टल ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंजीनियर्स सब सर्विस में ओशन वाटर इंजेक्ट करके वेनिस को सक्सेसफुली उठा सकेंगे? वेल, आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।